शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज हो चुकी है। देश भर के दर्शक फिल्म को लेकर बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। वहीं शाहरुख खान ने भी फिल्म को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शाहरुख खान की पिछली फिल्म रईस और जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप हो गई थी। अब शाहरुख के कैरियर के लिए ये फिल्म हिट होना बहुत जरूरी है। इस बीच शाहरुख खान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। दरअसल हर बड़ी फिल्म की तरह जीरो भी अपनी रिलीज के कुछ घंटों बाद ही लीक हो गई है। फिल्म लीक के मामले में तमिल रॉकर्स और टोरेंट जैसी वेबसाइट्स का नाम सामने आता है, लेकिन इस मामले में इस बार इन वेबसाइट का नाम नहीं आया है। आपको बता दें, इस बार ये फिल्म ट्वीट पर लीक हुई है। ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाकर इस फिल्म को फैंस के बीच लीक करने की कोशिश की जा रही है। ट्वीट पर फेक अकाउंट से फिल्म के सीन सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग से इसके एक सीन को पहले ही लीक कर दिया। ट्विटर पर मनोज बाजपेयी और आमिर खान फैन के नाम से अकाउंट बनाकर शाहरुख खान के एंट्री सीन को दिखाया जा रहा है। जीरो के लीक होने की बात फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने अपने नाम से फर्जी ट्वीट के बारे में फैंस को ट्विटर पर जानकारी दी और उन्हें इससे सावधान रहने को कहा। बता दें कि हाल ही में बॉक्स ऑफिस रिलीज हुई अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 को कमाल की प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन यह फिल्म भी ऑनलाइन लीक हो गई थी। बता दें कि वेबसाइट तमिल रॉकर्स ने इस फिल्म की रिलीज के बाद इस फिल्म को ऑनलाइन लीक कर दिया था। तो दोस्तों, जीरो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको लगता है कि फिल्म हिट होगी तो कमेंट बॉक्स में हिट लिखें, अगर लगता है कि फ्लॉप होगी तो फ्लॉप लिखें। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और टॉप ट्रेंडिंग न्यूज पाने के लिए वेब वर्क वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।